क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में नर्सिंग डे मनाया गया। दिन रात सेवाएं दे रही नर्सों ने नर्सिंग अधीक्षक सिस्टर गौतम की अध्यक्षता में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया, साथ ही देश को कोरोना मुक्त करने की शपथ भी ग्रहण की। नर्सिंग अधीक्षक गौतम ने बताया कि 12 मई 1820 को सदी की नायिका पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अमीर घर में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए नोबल प्रोफेशन को चुना। उन्हीं की याद में आज नर्सिंग डे मनाया जाता है। नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट आरएच बिलासपुर आज अपने इस सदी की नायिका नर्सिंग फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अमीर घर में जन्म लेने के बावजूद लोगों की सेवा का ये नोबल प्रोफेशन उन्होंने उस वक्त चुना जब वो सबसे अमीर घर इटली के सबसे अमीर घर में पैदा हुई। उसके बाद भी उन्होंने क्रिमिनल बार में घायल हुए लोगों को की दिन रात सेवा की और हमें सभी नर्सिस को उन्होंने अपना ये एक संदेश दे के गई हैं कि हमें मानवता की सेवा करनी है। वैसे ही जैसे उन्होंने क्रिमिनल बार में घायलों की दिन रात सेवा की, हमें भी आज एक चुनौती मिली है कोरोना वायरस। हम भी उसी तरह से जैसे वो हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने, वैसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके साथ हमें ये कोरोना को अपने देश से बाहर भगाना है और लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देनी है। मैम, जनता से क्या सहयोग की अपील करना चाहते हैं आप? मैं जनता से यही सहयोग की अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज कोरोना वॉरियर से अच्छे से व्यवहार करें और अगर आपको कोई सलाह देता है या कोरोना वॉरियर आपको कोई सलाह देना चाह रहा है, आपको कोई एडवाइस देना चाह रहा है, तो प्लीज उसको माने और लोगों सभी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस का सहयोग करें।